हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ। गाइस, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि लड़कों को कैसे एटीट्यूड रखना चाहिए, कैसे लाइफ स्टाइल रखना चाहिए कि लड़कियाँ उनके पीछे पड़ जाएंगी, लड़कियाँ उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए सामने से खुद हिंट देंगी तो आपको लड़कियाँ सामने से इशारे करेंगी आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए, खुद कोशिश करेंगी आपसे दोस्ती करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको कैसे ये सब करना है। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो हर मामले में आप नहीं दिखा सकते, कहीं कहीं आपकी एटीट्यूड की वजह से आपके काम बिगड़ भी सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एटीट्यूड दिखाना है, यहाँ पर आपको लड़की के सामने एटीट्यूड रखना है। आप किसी लड़की से दोस्ती करना चाहते हो और जाके उस लड़की के आगे पीछे घूमते हो और बोलते हो कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, प्लीज़ तुम भी मुझसे प्यार कर लो, मुझे अपना दोस्त बना लो, मुझे अपना फ्रेंड बना लो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप प्यार की भीख मांग रहे हो। ऐसे में लड़की आपको कभी पसंद नहीं करेगी। ऐसे गिड़गिड़ाने वाले लड़कों को लड़कियाँ लल्लू समझती हैं, उनको ये लगता है कि इस लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं करती, तभी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे सामने आके गिड़गिड़ा रहा है, मुझसे प्यार की भीख मांग रहा है। आप चाहे कितना भी स्मार्ट हो, हैंडसम हो और रिच हो, लेकिन अगर आप लड़की के सामने इस तरह से बिहेवियर करोगे, लड़की के सामने गिड़गिड़ाओगे, तो कोई भी लड़की आपको लल्लू ही समझेगी, लड़की आपको लाइक नहीं करेगी। तो आपको करना क्या है ये भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाओ, ऐसे स्टाइल में रहो कि लड़कियों को ऐसा लगे कि इस लड़के के पीछे एक नहीं कई लड़कियां मरती होंगी। यदि आप किसी लड़की से बात भी कर रहे हो तो उसके पीछे पागलों की तरह मत लगे रहो, बीच बीच में किसी और कामों में भी इंटरेस्ट दिखाओ, ऐसे में लड़की खुद आपके पीछे पड़ेगी। क्योंकि लड़कियाँ किसी भी लूजर या मतलब लल्लू जैसे लड़कों को बिल्कुल नहीं पसंद करती, लड़कियों को तो स्मार्ट और एटीट्यूड वाले लड़के ही पसंद आते हैं। कोई भी लड़की हो उसे एटीट्यूड वाले लड़के ही पसंद आते हैं। आप अगर लड़की के पीछे पड़े रहोगे तो लड़की आपसे बोर हो जाएगी, आपको देखना नहीं पसंद करेगी, कोई भी लड़की आपको नहीं पसंद करेगी। क्योंकि लड़कियों को क्या बोलते हैं, शेर पसंद होते हैं, शेर दिल वाले लड़के, गीदड़ नहीं, जो कि लड़कियों के आगे पीछे लल्लू की तरह घूमते रहते हैं और कोई भी लड़की गाल में थप्पड़ मार के चली जाती है या कि ऐसे ही बोल देती है, कह रहे ये तो लोफर है, तो ऐसे लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। चाहे तो आप कितने रिच हो, अमीर हो, आप स्मार्ट दिखते हो, आपका लुक बाई भी आप अच्छे दिख रहे हो, फिर भी आपकी अगर बिहेवियर ऐसी है तो कोई लड़की आपको पसंद नहीं करेगी। तो आपको सबसे पहले अपने आप में फोकस करना है कि आपको स्ट्रांग बनना है। आप अगर कहीं से निकल भी रहे हो तो इस तरह से निकलो कि वहाँ की दो चार लड़कियाँ जो आपके आसपास रहें तो वो मुड़ के आपको देखें तो उनको ऐसा लगे कि अरे वाह, क्या एटीट्यूड वाला है बंदा, सामने से निकल गया लेकिन मुड़ के देखा भी नहीं। और अगर आप वहीं दूर से ही लड़कियों को घूर घूर के देखना स्टार्ट कर दोगे और जा आगे रहे हो पीछे मुड़ मुड़ के घूर घूर के देखोगे तो लड़कियों को ऐसा ही लगे, कह रहे इसने कभी लड़की देखा नहीं क्या जो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, इसको कभी कोई लड़की पसंद नहीं कि क्या, शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, इसके अंदर कोई कमी होगी, ये कोई अच्छा नहीं है। मतलब उनको आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमी ही नज़र आएगी अगर आप पीछे मुड़ मुड़ के लड़कियों को देख रहे हो। अगर आप वहीं पे एटीट्यूड के साथ बड़ी स्टाइल से लड़कियों के बीच से निकल जाते हो या कि उनके पास से निकल जाते हो, आप मुड़ के भी नहीं देखते हो, भले ही आप अपने मन में कुछ भी सोच रहे हो, मन की बातें कौन पढ़ता है, आप वहाँ दिखाने के लिए, खाली मात्र दिखाने के लिए एटीट्यूड से निकल जाते हो तो वहीं पे लड़कियों के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है। वो लड़कियाँ आपके बारे में ज़रूर सोचेंगी कि अरे वाह क्या बंदा है। तो अगर आप चाहते हो
कि ये सब मेरे साथ हो तो आपको एटीट्यूड जरूर रखना पड़ेगा। यदि आप सारी एक्टिविटी छोड़ के सिर्फ लड़की के पीछे ही पड़े रहोगे तो लड़की आपसे बहुत जल्दी बोर हो जाएगी। इसीलिए आपको पहले लड़कियों को एटीट्यूड, खुद आपको एटीट्यूड में रहना है और लड़कियों को मतलब इतना जल्दी भाव नहीं देना है। आप अपने एटीट्यूड में रहो और लड़कियों को भाव मत दो तो लड़कियां आपको खुद भाव देंगी और आपसे सामने से रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगी, आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे लड़कियों को अपने पीछे मतलब आते देखना है, कैसे आप करेंगे तो लड़कियां आपके पीछे पड़ेंगी, आपसे रिलेशनशिप में आने के लिए लड़कियां खुद कोशिश करेंगी। तो अगर आप इन सब बातों को फॉलो करते हैं, इन सब बातों पे आप गौर करते हैं तो ज़रूर आपके पीछे लड़कियां पड़ेंगी और आपको नोटिस करेंगी, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए खुद लड़कियां सामने से मरेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरी वीडियो में से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पे नए हैं नीचे देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे टच करेंगे और वहाँ पर बेल आइकन का एक निशान भी आएगी घंटी के, तो आप उसे भी दबा दें। तो आप वो ऐसा करेंगे तो मेरी प्यारी प्यारी सी वीडियो ऐसी ही आपको मिलती रहेगी। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।